अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो इस तरह से काम करेगी कि मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा आपके सामने फ्यू क्लिक्स के साथ, और जो टेम्पलेट्स मैं प्रीमियम टेम्पलेट्स वहाँ पे यूज़ करूँगा वो सारे टेम्पलेट्स भी मैं आपको दूंगा आफ्टर लेक्चर। तो किस तरह से ये काम करने वाला है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये वाली टेम्पलेट्स चाहिए। तो अगर आपके क्लाइंट्स चाहे आपसे डिमांड कर रहा है पोर्टफोलियो वेबसाइट, वेडिंग फोटोग्राफी वेबसाइट, एजेंसी वेबसाइट, कोई भी तरह की वेबसाइट डिमांड कर रहा है, तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए या मेरे लेक्चर को फॉलो करते हुए वो वेबसाइट इजीली आप क्रिएट कर सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग स्टाइल के साथ। तो चलें आज हम पहली वेबसाइट जो क्रिएट करेंगे वो करेंगे क्रिएटिव एजेंसी की वेबसाइट। तो वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग। जो चीप डोमेन और होस्टिंग आप कहाँ से लेंगे, होस्टिंग लेंगे उसके साथ oneyear.com डोमेन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी, कैसे लेंगे, तो यहाँ पे लैपटॉप में देखें, जस्ट आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, आ जाना है। तो ब्लू होस्ट एक बहुत ही प्रीमियम वेबसाइट है और यहाँ पे आपने जस्ट शेयर्ड होस्टिंग पे जाना है। अगर लिंक से जाएंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सारी चीज़ें मिलेंगी और 1 ईयर के लिए .com की डोमेन जो है वो फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। बेसिकली यही यूज़ होती है नॉर्मल वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं, बेसिक प्लान्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक वेबसाइट है तो जस्ट आप वन वेबसाइट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वेबसाइट यूज़ आप होस्ट करना चाह रहे हैं तो अनलिमिटेड वाला प्लान ये ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। यहाँ पे 70% डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे आपको 61% डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डिजायर्ड डोमेन है इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपने जस्ट वो यहाँ पे ऐड कर देने। मैं एक रैंडम से डोमेन ऐड कर रहा हूँ। रैंडम डोमेन ऐड करने के बाद सिंपल आपने इसको क्या करनी है, अपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है और इन सारी चीज़ों को अनचेक कर देना है। यहाँ पे पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आप इनको अनचेक करना है। $35 के अंदर आपको 1 ईयर के लिए .com डोमेन फ्री और होस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अपने अपने डिटेल्स देनी है और यहाँ से चेकआउट कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो चले अब हमारी डोमेन और होस्टिंग जो है वो बाय हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने डोमेन और होस्टिंग के पैनल के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारे पास पैनल इस तरह से आ जाएगा। तो आज हम करने क्या वाले हैं, किस तरह की डिज़ाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखें इस तरह का जो है हम डिज़ाइन करने वाले हैं टेम्पलेट को यूज़ करते हुए और विद इन फ्यू क्लिक्स। उसके बाद आपको रह किया जाएगा आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा एंटर करना, जो चीज़ें रिमूव करनी है वो रिमूव करनी, जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। तो चले इस अमेजिंग डिज़ाइन को जो है वो हम आज बनाएंगे और फ्यू क्लिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जहाँ से हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज किया है। यहाँ पे मेरे पास एक डमी डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन टू वर्डप्रेस। यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है और आपने एक थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। सिंपल आपने यही थीम इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पेलिंग इसके, और ये वाला थीम है हमारे पास। जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और इसके बाद जो है आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देगा इंस्टॉल एलिमेंटर। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना भी आए, लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आता, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर जाना है इंस्टॉल प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इनवेटो एलिमेंट्स। ठीक है, आपने सिर्फ इनवेटो लिखना है और यहाँ पे हमारे पास प्लगइन जो है वो सामने नज़र आ जाएगा इनवेटो एलिमेंट्स। ये इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा इनवेटो की तरफ से एलिमेंट्स। आपने सिंपल यहाँ पे आना है इंस्टॉल्ड किट्स पे, और इंस्टॉल्ड किट्स पे यहाँ पे आपको कोई भी किट इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो किट आपके पास अवेलेबल है जो मैं प्रोवाइड करूँगा, इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे आएँ, मुझे फॉलो करें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और वहाँ पे मुझे सिंपल DM करें एंड आई विल गिव इट टू यू। सिंपल आपने यहाँ पे ये प्रीमियम जो किट है उसको इंस्टॉल कर देना, जस्ट सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होती है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी किट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। बट यहाँ पे देखें हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने इस
किट के लिए इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल अबव ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें एलिमेंटर भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, बट एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं हुआ किसी एरर की वजह से, तो इसको हम मैनुअली कर लेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे इंस्टॉल एलिमेंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंटर, और यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंटर है। यहाँ पे जस्ट सिंपल आपने इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। ये ऑप्शन आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है, और 100% चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है और कोई भी प्लगइन आपको मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंटर है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट और इंस्टॉल हो चुका है, और इसको मैं आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट के साथ, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं वापस डैशबोर्ड की तरफ चला जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ आ जाता हूँ। तो अब हम थोड़ा सा प्लान करेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरह से होगी और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर, ऑब्वियसली इट्स एन एजेंसी वेबसाइट, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि जो है होम पेज होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, और सर्विसेज का पेज होगा। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक रखूँगा। इसके अलावा इस डिज़ाइन के अंदर और काफ़ी सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज FAQs या टेस्टिमोनियल्स। तो चले हम इनको अभी सिंपल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेजेस बना लेते हैं जो भी हमें पेजेस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो भी पेजेस हमने बनाए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनको मैं कट कर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मूव टू ट्रैश। ओके जी, तो यहाँ तक हमारा सेटअप कंप्लीट है। हमने डोमेन और होस्टिंग ली, उसके बाद हमने बेसिक सेटअप किया, एक किट सेटअप की, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंप्लीट किया और पेजेस बनाए। अब हम इन पेजेस को आगे डिज़ाइन करने लगे हैं उस किट को यूज़ करते हुए जो कि हमने यूज़ की थी। तो आपने सिंपल करना क्या है, लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं हम होम पेज से। जस्ट आपने इसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपने क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एडिट विद एलिमेंटर ये तो कम्प्लीटली लोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स करनी है। जस्ट आपने यहाँ पे इस गियर आइकन पे क्लिक करना है, टाइटल को हाइड करना है, और यहाँ से सिलेक्ट करना है एडिट फुल विड्थ, एलिमेंटर फुल विड्थ। तो सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद दोबारा से हमारे पास वही ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल हमारे पास वो किट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे जो हमने इंस्टॉल की थी। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिक करना है ग्लोबल किट स्टाइल के ऊपर, इसको इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये पेज हमें फिर से दिखाएगा, फिर से हमने इस पर क्लिक करना है। और अब की बार क्योंकि हम होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो होम पेज के ऊपर यहाँ पे जो होम पेज की टेम्पलेट है उसको हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट टेम्पलेट कर लेंगे। सिंपल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, तो हम तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ब्यूटीफुल टेम्पलेट है वो एग्जैक्टली अपने डिज़ाइंस के साथ यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फूटर अवेलेबल नहीं है, और फूटर होने के साथ साथ यहाँ पे हेडर जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो हम हेडर और फूटर सबसे एंड में सेट करेंगे, अभी हम सेट कर लेते हैं बाकी पेजेस को। तो मैं वापस जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद मैं फिर एडिट करूँगा बाकी पेजेस को इसी तरह से। तो सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे पेजेस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पेज है उसको मैं एडिट करूँगा जो कि अबाउट अस है। सिमिलरली मैं कॉन्टैक्ट अस को और सर्विसेज को यहाँ पे जो है एडिट करूँगा। तो इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर सिमिलरली जैसे हमने होम पेज पर किया था, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर और सर्विसेज को भी एडिट विद एलिमेंटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैनवस आ चुका है। आपने एक ही टाइम में सब पे इंपोर्ट नहीं करना, सिर्फ सिंपल एक टाइम में एक पेज पे ऊपर ही इंपोर्टिंग करनी है। तो हम इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जैसे हमने होम पेज पे किया था, गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, हाइड टाइटल, एलिमेंटर फुल विड्थ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे किट आ जाएगी। किट से हम चूज़ करेंगे अबाउट अस वाला पेज। तो यहाँ पे देखें ये अबाउट अस वाला पेज है, इसको सिंपल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपने ऐसा नहीं करना कि ये इंपोर्ट हो रहा है, चलो इस टाइम इसको भी कर लेता हूँ। हाँ, इसकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इस तरह से, और अगेन इसको, इस पेज को भी हम इसका टाइटल हाइड और ये फुल विड्थ पे कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप इंपोर्टिंग पे मत लगाइएगा,
जब तक ये इंपोर्ट नहीं हो जाता आपने नेक्स्ट ऐप पे नेक्स्ट पेज के ऊपर इंपोर्टिंग नहीं करनी। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अबाउट अस का जो पेज है उसका भी डिज़ाइन एग्जैक्टली उसी तरह से रेडी हो चुका है। इसको मैं अपडेट कर दूंगा। सिमिलरली चलूंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ पे इसकी वो दूसरी सेटिंग्स हमने यहाँ पे कर ली थी और अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है इंपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये कॉन्टैक्ट अस है, इसको सिंपल मैं इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा बट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी इंपोर्ट हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हम चलते हैं सर्विसेज वाले की तरफ और सिंपल यहाँ पे सेम वही जो चीज़ है आपने बार बार रिपीट करनी है हर पेज के लिए। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये सर्विसेज है। अच्छा, अगर आप मतलब और कोई पेज बनाना चाहें, यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो का आवर टीम का पेज भी अवेलेबल है। तो आपने सिंपल क्या करना है, नया पेज बनाना है आवर टीम के नाम से और यही प्रोसेस वहाँ पे कर देना है। इंस्टेड ऑफ के वो टेम्पलेट आप इंपोर्ट करो, आप आवर टीम की टेम्पलेट इंपोर्ट कर दो। मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स या आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये 65% तक इम्पोर्ट हो चुका है और ये अभी इम्पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे आवर सर्विसेज का जो पेज है वो भी इम्पोर्ट हो चुका है। तो अब ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो पेजेस थे हमने बना लिए, वो सारे इम्पोर्ट हो गए। अब हमारा जो इशू रहता है वो हेडर और फुटर का रहता है कि उसको हमने किस तरह से सेट करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपेयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाना है और यहाँ पे मेन्यू बना लेना है उन पेजेस का जो हमने पेजेस क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हमने ये पेजेस को हम मेन मेन्यू मेन कह देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल क्रिएट मेन्यू। क्रिएट मेन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास तमाम पेजेस अवेलेबल हैं। इन तमाम पेजेस को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी इनका है ऑर्डर उसको मैं सेट कर देता हूँ। इस तरह से मैं चाह रहा हूँ होम के बाद सर्विस है और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस और सिंपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। ये सिंपल यहाँ पे जाएंगे और ऐड प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास हेडर एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे देखें ये एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, जस्ट आपने सिंपल इसको क्लिक करना है इंस्टॉल करके और उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये अपेयरेंस के अंदर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, जस्ट सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद इसको चाहे आप स्किप कर दें, स्किप करने के बाद आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे कैनवास के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया हेडर और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया हेडर हेडर और यहाँ पे रूल्स पे हमने कहना है इंटायर वेबसाइट। ओके, डिस्प्ले ऑन इंटायर वेबसाइट और इसको छोड़ दें आप और सिंपल इसको आप पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है और सिंपल हमारे पास उस किट के अंदर ऑलरेडी हेडर जो है वो डिज़ाइन हुआ पड़ा है। सिंपल आपने उसी तरह से इंपोर्ट कर देना है जैसे हमने बाकी पेजेस किए हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है किट अवेलेबल है और यहाँ पे हमने क्या करना है, ढूंढना है कि हेडर वाला जो टेम्पलेट है वो कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये हेडर वाला टेम्पलेट मौजूद है, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास इम्पोर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्ट है। अब इस वाले सेक्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली बनाया था। तो वो सारे जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया अपडेट कर दिया। इसको मैं अगेन कट कर दूंगा और वापस जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे आऊँगा जो है मेरे पास फुटर बनाने के लिए, सेम उसी तरह से एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास हेडर जो है क्रिएट हो चुका है। अगेन मैं क्लिक करूँगा, इसको स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद हम वापस चले जाएंगे नेक्स्ट पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा फुटर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा टेम्पलेट है जो फुटर। ओके, पहले हमने हेडर सेलेक्ट किया था और इसको भी मैं एंटायर वेबसाइट कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद वही चीज़ हमने दोबारा से दोहरानी है। यहाँ से हमने एडिट विद एलिमेंटर किया, इनको मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फुटर है। फुटर अगेन हम वही करेंगे जिस तरह से हमने जो है हेडर इंस्टॉल किया था। सिंपल नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये हमारे पास फुटर है, इसको हम सिंपल यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट कर लिया। ओके जी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते। तो हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है, बस अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, ये हमारा जो मेन यूआरएल है पावर सजेस्ट डॉट कॉम, तो
तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है और हमारा जो है सिर्फ हेडर और फुटर नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, हमारा जो होम पेज था। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, सिंपल आपने एक क्लिक करना है, यहाँ पे आना है सेटिंग्स में और रीडिंग सेटिंग्स में जाना है। रीडिंग सेटिंग्स में जाने के बाद आपने स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारा होम पेज सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। उसके बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है, जिस तरह से हमने देखा था, जिस तरह से हमने प्रॉमिस किया था। ओके, तो यहाँ पे देखें हमारी पूरी वेबसाइट जो है उसी तरह डिज़ाइन हो चुकी है जैसे हम चाह रहे थे उन्हीं डिज़ाइंस के अंदर। तो यहाँ पे देखें कुछ जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म मिसिंग है, तो इन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को हम कैसे लगाएंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे वापस और यहाँ पे देखें इसके साथ हमारे पास एक प्लगइन ज़रूर आना चाहिए जो के काम करता है कॉन्टैक्ट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सिंपल हमने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करना है और इस वाले कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी हमने फॉर्म लगाना है, जस्ट एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और ये वाला कोड वहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपल, और वहाँ पे हमारे पास वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ओके, तो हमने एडिट विद एलिमेंटर किया और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होना चाहिए, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, कई बार यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट कोड पेस्ट करने का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्यूटीफुल जो है फॉर्म वो आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पूरी वेबसाइट कम्प्लीटली डिज़ाइन रेडी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी वेबसाइट जो है रेडी है। अब इसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन या अपने जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी क्लाइंट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करना है और जो कुछ भी इसके अंदर एडिशन डिलीशन या कुछ भी रिप्लेसमेंट करनी है कलर्स की, इमेजेस की, टेक्स्ट की, वो आप सिंपली कर सकते हैं। हर पेज में जाके आपको एलिमेंटर बेसिक पता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रोसेस था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट, जस्ट आपने टेम्पलेट उठाई, इंपोर्ट की और सेटअप कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप्स थे जो हमने देखे। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो सिंपल सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे आके मुझे DM करें वहाँ पे फॉलो करने के बाद, ताकि मैं आपको ये टेम्पलेट दे सकूं और आप इसको यूटिलाइज कर सकें अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो इसी सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन करें वो भी आप नीचे कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो उसी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करूँ, वेडिंग फोटोग्राफी की, पोर्टफोलियो की, किस चीज़ की आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट मैं डिज़ाइन करूँ तो वो मैं डिज़ाइन करूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।